नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आई टी आई एग्जाम सोल्यूशन में दोस्तों आज हम पी जी सी एल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन पेपर बेसिकली डिप्लोमा ट्रेनी का है लेकिन इसका पैटर्न ऑलमोस्ट जूनियर टेक्नीशियन जैसा है जिसमें आपके टोटल 120 ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे और इस 120 ट्वेंटी क्वेश्चन को जब मैंने एनालाइज करा तो मैंने पाया कि इसमें केवल 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं बाकी आपके 110 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी वे में आपसे आई क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं तो इस क्वेश्चन पेपर से भी दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा अंदाज

ट्वेंटी फोर आवर्स यानी कि चौबीस घंटे में ट्रांसफॉर्मर की टोटल एनर्जी आउटपुट टू दी टोटल एनर्जी इनपुट अब जो कमर्शियल एफिशिएंसी होती है कमर्शियल एफिशिएंसी वो ज्यादा होती है ऑल डे एफिशिएंसी से क्योंकि कमर्शियल एफिशिएंसी में ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पे काम करता है और इसको स्पेसिफाइड कंडीशन के अंदर में मेजर करा जाता है स्पेसिफाइड कंडीशन यानी कि इसको फुल लोड कंडीशन के अंदर में मेजर करा जाता है तो जब फुल लोड पे काम कर रहा होता है तो ट्रांसफॉर्मर अपना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे रहा होता है उस टाइम पे और क्योंकि ऑल डे एफिशिएंसी में कभी किसी टाइम पे आपका लोड ज्यादा होगा किसी टाइम पे आपका लोड कम होगा तो ऑल डे एफिशिएंसी में हम काउंट करते हैं आयरन लॉस कॉपर लॉस इन सब वेरिएबल्स को भी इन सब लॉसेस को भी

क्रिएट करते हैं जिसे हम इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में दोस्तों प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट सर्किट हम प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस दोनों ऐड कर लेते हैं या कंबाइन कर लेते हैं तो रजिस्टेंस जब हम कंबाइन करते हैं तो रजिस्टेंस हमें कौन सा लॉस देता है वो हमें आई स्क्वायर आर लॉस देता है और आई स्क्वायर आर लॉस होते हैं आपके कॉपर लॉसेस तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या मेजर करता है वो करता है कॉपर लॉसेस को मेजर करता है और वही बात हम कोल्ड लोसिस की तो कोल्ड लोसिस किसकी वजह से होते हैं ज्यादातर कोल्ड लोसिस होते हैं आपके मैग्नेटाइजिंग अफेक्ट की वजह से और कौन से दो मुख्य कोर लॉस होते हैं एक एडी करंट लॉस होता है और दूसरा होता है आपका हिस्टर लॉस जो आपके कोर लॉस के अंडर में आते हैं सो so दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा कॉपर लॉस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कॉपर लॉस को मेजर करते हैं ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट right ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर थ्री है वेन कैलकुलेटिंग दी सेग इन ट्रांसमिशन लाइन विच फैक्टर इज कंसिडर्ड दोस्तों मान के चलिए ये दो पोल है और एक ये ट्रांसमिशन लाइन

सेकेंडरी फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपका सैग अफेक्ट करता है हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तो अगर प्रेशर लो होगा जैसे हाईर एल्टीट्यूड में हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर लो रहता है तो उस केस में सैग आपका बढ़ जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल हाई एल्टीट्यूड में ज्यादा रहता है और हम बात करें अगर कंडक्टर मटेरियल की तो दोस्तों हर एक मटेरियल का अपना डिफरेंट वेट होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और थर्मल एक्सपेंशन होता है अगर हम जो कंडक्टर मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वो भी सैक पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है सेम टेम्परेचर भी सैक पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है तो गर्म इलाके में क्या होता है कंडक्टर एक्सपेंड होता है जिसकी वजह से सैग इंक्रीज हो जाता है तो ये जो बाकी ऑप्शन हैं ये डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं डालते हैं सैग पे लेकिन इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं पर डायरेक्टली सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन डालता है लाइन लेंथ डालती है जितनी ज्यादा लाइन लेंथ होगी या स्पेन की लेंथ होगी उतना ही ज्यादा आपका सैग इंक्रीज करेगा सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर फोर है इल्यूमिनेशन लेवल इन अ रूम इज डिटरमाइंड बाई द रेशियो ऑफ आपके ऑप्शन है ए स इंटेंसिटी टू दी डिस्टेंस एंड डी फ्लक्स टू दी वॉल्यूम दोस्तों इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला होता है टोटल लिमिनेस फ्लक्स अपॉन में टोटल एरिया यानी कि एक लाइट सोर्स ने कितनी लाइट को एमिट करा कितनी लाइट को भेजा और कितनी लाइट एक पर्टिकुलर एरिया में जाके पड़ी तो उसे बोला जाता है इल्यूमिनेशन दोस्तों ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है इसमें टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ सोर्स यानी कि एक सोर्स ने मान लीजिए एक बल्ब ने कितनी लाइट को प्रोड्यूस करा और वो लाइट कितने एरिया में पड़ी उसे बोला जाता है इल्यूमिनेशन सो so, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू क्वेश्चन नंबर फाइव है विच कंपोनेंट इन आ सी प्लांट फोकस सनलाइट ऑन टू अ टारगेट आपके ऑप्शन हैं ए बैटरी स्टोरेज टू इन्वर्टर थ्री मिरर ऑफ लेंस एंड डी फोटोवोल्टिक सेल दोस्तों सी की फुल फॉर्म होती है कंसेंट्रेटिंग सोलर पावर तो जैसे कि इसका नाम है कंसेंट्रेटिंग सोलर पावर ये क्या करता है ये मिरर यूज़ करता है बेसिकली और ये मिरर होते हैं कौन के mirror. इनका काम क्या होता है ये कुछ इस प्रकार के मिरर होते हैं। इसमें लाइट जब पड़ती है दोस्तों तो ये क्या करता है ये किसी एक पॉइंट पे इन सारी लाइटों को फोकस कर देता है ताकि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हमें मिल रही है वो काफी ज्यादा हाई मिले क्योंकि दोस्तों सोलर पैनल बने होते हैं सेमी कंडक्टर मटीरियल के और सेमी कंडक्टर मटीरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी तो CSP प्लांट क्या करते हैं सनलाइट को एक स्पेसिफिक टारगेट पर फोकस करते हैं जिससे टेम्परेचर बढ़ता है उस लाइट की इंटेंसिटी बनती है और इससे हम काफी अच्छी पावर को जनरेट कर पाते हैं ए इम्प्रूविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ बी इंक्रीजिंग दी कंडक्टिविटी सी रिड्यूसिंग दी वेट ऑफ दी स्ट्रक्चर एंड डी एनहेंसिंग दी एस्थेटिक अपील दोस्तों ये क्वेश्चन बेसिकली आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी तक आई में ऐसा क्वेश्चन किसी में नहीं देखा है मैं गलत भी हो सकता हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप इसको जरूर देखें, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो आप स्किप कर सकते हैं ओएची को दोस्तों बोला जाता है ओवरहेड इक्विपमेंट और यहाँ पे बेसिकली बात चल रही है रेलवे पावर लाइन की दोस्तों जो बिजली से चलने वाली ट्रेन है और आपने पटरी के ऊपर देखा होगा इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है पोल्स का वो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पे आपके कंडक्टर्स लगे होते हैं और यहाँ से एक हाई टेंशन लाइन जारी होती है तो इसी को बोला जाता है ओ एच सेंटिनरी कंस्ट्रक्शन तो ये क्या करता है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यानी कि इसको यांत्रिक शक्ति प्रोवाइड करता है हार्स एनवायरमेंट के लिए जहाँ पे इन्वायरमेंट काफी ज्यादा हार्श होता है उस जगह पे हम सेंटनरी कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है या जहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चलती है उस जगह पे हमें एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है ताकि जो ओवरहेड लाइन जा रही है वो ब्रेक डाउन ना हो और और दोस्तों पेंटागनल, ओएची, सेंटनरी के कुछ एडवांटेज होते हैं ये को, है, को है, है, प्रोवाइड करता है खासकर इसको बनाया ही इसलिए जाता है ताकि हमें एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल सके जहाँ पे इन्वायरमेंट फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो दोस्तों ऑप्शन नंबर वन इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर प्रोवाइड एन एडवांटेज ऑफ आपके ऑप्शन है ए हैविंग मूविंग पार्ट बी हाई एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी सी बल्कि डी हाई पावर कंजप्शन देखो दोस्तों जब एडवांटेज की बात आती है तो ये तो कभी बल्कि और पावर कंजप्शन कभी एडवांटेज हो ही नहीं सकते तो तो ये दो तो आप आप डायरेक्टली इनको पढ़ के स्किप कर सकते हो कोई भी एक इक्विपमेंट हो अगर वो भारी है और पावर कंज्यूम कर रहा है तो उसका कभी कोई एडवांटेज तो होता नहीं है तो ये तो वैसे ही स्किप हो जाएंगे अब वैसे दो ऑप्शन एक मूविंग पार्ट और एक्यूरेसी दोस्तों आजकल बिजली का जो मेजरमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर से होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर रियल टाइम पावर को मेजर कर सकता है और इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई होती है क्योंकि इसमें लगे होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव और माइक्रो कंट्रोलर जो आपको इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी रीडिंग को मैन्युपुलेट नहीं कर सकते हैं या इसकी रीडिंग को मेनुपुलेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है सो so, दोस्तों राइट आंसर right होगा ऑप्शन नंबर टू क्वेश्चन नंबर एट है विच लॉजिक When both its input are low. दोस्तों लॉजिक गेट में दो इनपुट होते हैं एक होता है जीरो और दूसरा होता है वन जीरो को बोलते हैं हम लो इनपुट और वन को बोलते हैं हाई इनपुट तो अगर हम गेट की बात करें यहाँ पे मैं गेट लिख रहा हूँ और यहाँ पे आउटपुट लिख रहा हूँ ये आउटपुट कौन सा है जब दोनों इनपुट लो होंगे तो वो क्या आउटपुट देगा अगर एंड गेट की बात करें अगर दोनों इनपुट लो हैं, तो इसका आउटपुट भी लो होगा और गेट में भी अगर दोनों इनपुट लो हैं, तो इसका भी आउटपुट लो होगा और दोस्तों नोर गेट में अगर दोनों इनपुट लो हैं, तो इसका आउटपुट हाई होगा तो इसका मतलब दोस्तों अगर ये हम बात करें नोर गेट की तो इसमें इनपुट ए इनपुट बी और ये आउटपुट इनपुट ए जीरो है इनपुट बी जीरो है तो इसका आउटपुट वन होगा इनपुट ए वन है इनपुट बी जीरो है तो इसका आउटपुट जीरो होगा इनपुट ए जीरो है इनपुट बी वन है तो इसका आउटपुट जीरो होगा और अगर इनपुट ए भी वन है और इनपुट बी भी वन है तो भी इसका आउटपुट जीरो होगा तो कहने का मतलब यह है कि जब दोनों इनपुट लो वैल्यू पे होते हैं तब यह आउटपुट हाई देता है सो ऑप्शन नंबर टू इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर नाइन है फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल दोस्तों पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर के लिए कुछ कंडीशन होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है वो कौन कौन सी कंडीशन है पहली है सेम वोल्टेज रेशियो दूसरा है सेम टर्न रेशियो In primary, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि दोनों ट्रांसफॉर्मर अगर हमने दो ट्रांसफॉर्मर पैनल में लगाए हैं तो उनका वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए और वोल्टेज रेशियो कब सेम रहेगा उन दोनों की प्राइमरी और दोनों की सेकेंडरी के टर्न सेम होंगे तभी हमें सेम वोल्टेज रेशियो मिलेगा थर्ड होता है सेम परसेंटेज इम्पिडेंस जिसे हम बोल सकते हैं पर यूनिट इम्पिडेंस दोनों का सेम होना चाहिए सेम परसेंटेज इम्पिडेंस होता है जो लीकेज रिएक्टेंस है लीकेज रिएक्टेंस ऑफ रिएमर वो बराबर होना चाहिए रजिस्टेंस के यानी कि दोस्तों दोनों ट्रांसफॉर्मर के एक्स बाय आर सेम चाहिए जिसे बोला जाता है पर यूनिट इंपीडेंस रेशियो चौथा होता है सेम पोलैरिटी ट्रांसफॉर्मर की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए अगर पोलैरिटी दोस्तों सेम नहीं हुई तो उस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा इनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए सेम फ्रिक्वेंसी और इनका फेस सिक्वेंस भी सेम होना चाहिए तो ये कंडीशन होती है कुछ एक असेंशियलर के पैरल ऑपरेशन में तो इसमें से कौन सी कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती सेम रेटिंग की यानी कि अगर एक ट्रांसफॉर्मर पांच सौ केबीए का है और दूसरा ट्रांसफॉर्मर सौ के बी का है तो भी हम उनको पैरल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं तो कहने का मतलब इसमें यह है सो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट right ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर टेन है द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन दर इज चेंज इन टू लिक्विड वाटर इज कोल्ड आपके ऑप्शन है एक कंडेन्न बी प्रेसिपिटेशन सी इनफिल्ट्रेशन डी इवेपोरेशन दोस्तों जब भाप पानी में बदलती है उस केस को कहा जाता है कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन क्या होता है जो भाप पानी में बदली है और वो पानी जब बरसात के रूप में नीचे गिरता है उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेशन इनफिल्ट्रेशन होता है जब कोई मिट्टी या कोई सोइल पानी को सोक कर ले पानी को एब्सॉर्ब कर ले उसे बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस वो होता है दोस्तों जब पानी भाप के रूप में बदलती है उसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर वन इसका राइट right ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर रेशियो ऑफ दोस्तों प्लांट कैपेसिटी फैक्टर रेशियो होता है

ब्रेन होता है वैसे माइक्रो कंट्रोलर एलिवेटर का ब्रेन होता है क्योंकि यही मोटर को सिग्नल प्रोवाइड करता है कि लिफ्ट को ऊपर जाना है या लिफ्ट को कौन से फ्लोर पे जाना है या लिफ्ट में ओवर वेट तो नहीं हो गया है और माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल किसको देता है ये एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करती है सो so बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कर चुके हैं आईटीआई में कितनी बार पूछा जा चुका ये है ये क्वेश्चन फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू और फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है होता है दोस्तों 1.11 सो so, दोस्तों ऑप्शन नंबर वन इसका राइट right ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी है इन अ थ्री थ्री फेज फेज सिस्टम 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 आर आर वाई वाई बी बी इज नोन एज दोस्तों में R, y, को पॉजिटिव बोला जाता है और पॉजिटिव सिक्वेंस में मान के चलिए ये आर है ये वाई है ये बी है और जो तीनों का फेज डिफरेंस होगा ये एक्सैक्टली वन ट्वेंटी डिग्री होगा और ये क्लॉक वाई डायरेक्शन में रोटेट कर करेंगे तो पहले आर फिर वाई फिर बी ये होता है पॉजिटिव फेज सिक्वेंस अगर हम बात करें नेगेटिव फेज सिक्वेंस की तो आर बी वाई इसमें नेगेटिव फेज सिक्वेंस है सो so, दोस्तों ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट right ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है

रेडियो एक्टिव आइटम के लिए अलग अलग होता है इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल होता है ये ऐसा कुछ डीके होता है यहाँ पे इसकी लाइफ हंड्रेड परसेंट थी ये जीरो परसेंट और ये फिफ्टी परसेंट के आसपास तो हाफ लाइफ इसकी ये होगी ये वाला जो पॉइंट है ये इसका हाफ लाइफ पॉइंट होगा और दोस्तों रेडियो एक्टिव एटम की हाफ लाइफ अलग अलग हो सकती है इसका मतलब कुछ रेडियो एक्टिव एटम की हाफ लाइफ मिली सेकेंड भी हो सकती है और कुछ कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ पांच ईयर तक की भी हो सकती है तो इतना ज्यादा डिफरेंस होता है हर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में और दोस्तों इसी मेथड से हम पता लगाते हैं कि कोई भी

क्वेश्चन नंबर एटीन है सिंक्रोनस मोटर इज ऑन लोड लोड एक्साइटेशन एंड इंक्रीज इन विल आपके ऑप्शन है ए मेक द मोटर रन एंक्रोनसली बी इंक्रीज द पावर फैक्टर सी अफेक्ट द पावर फैक्टर डी डिक्रीज द पावर फैक्टर दोस्तों सिंक्रोनस मोटर जैसे कि आपको पता है कि कॉन्स्टेंट स्पीड पे रन करती है अगर हम उसकी पावर सप्लाई फ्रिक्वेंसी को चेंज ना करें और उसके पोल्स को भी कॉन्स्टेंट रखे तो वो एक तरीके की कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर है अगर इसमें हम दोस्तों हम एक्साइटेशन को सेम रख रहे हैं और इसके लोड को इंक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा इसको ज्यादा टॉक बनाना पड़ेगा उस लोड को ओवरकम करने के लिए तो ज्यादा टॉक बनाने के लिए इसको करंट एंगल बढ़ता है फेस एंगल बढ़ता है तो पावर फैक्टर कम होता है क्योंकि दोस्तों जितना कम एंगल होगा उतना ही ज्यादा पावर फैक्टर होता है क्योंकि हम एक्साइटेशन नहीं बढ़ा रहे हम लोड इंक्रीज कर रहे हैं और लोड जब इंक्रीज करेंगे तो सिंक्रोनस मोटर

हुआ है यह स्ट्रिंग एफिशिएंसी दर्शाता है और स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मुला होता है दोस्तों एफिशिएंसी इक्वल्स टू तो वी इंटू एन इंटू वी एन V होता है वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग अपॉन में एन यानी कि नंबर ऑफ डिस्क और वी एन होता है वोल्टेज अक्रॉस बॉटम डिस्क बॉटम डिस्क कौन सी होगी जो डिस्क सबसे ज्यादा दूर होगी जैसे मान के चलिए ये डिस्क लगी हुई है ये हो गया टोटल वोल्टेज और ये जो बॉटम डिस्क है इसमें कितना वोल्टेज है और ये कितनी डिस्क है ये तीन डिस्क है तो फॉर्मूला जा क्या बन जाएगा ये वी इन टू थ्री इंटू वी एन सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है अकॉर्डिंग टू फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू आपके ऑप्शन से ए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी सर्किट बी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट सी टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट डी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी सर्किट दोस्तों ऑफ मैग्नेटिक्स इंडक्शन क्या बताता है जब भी एक क्लोज सर्किट में मान के चलिए एक सर्किट है और ये क्वाई लगी हुई है और ये वोल्टेज सोर्स है या ये वोल्ट मीटर लगा रखा है हमने तो अगर हम इसको मैग्नेट को पास करेंगे तो वोल्टेज में डिफ्लेक्शन आएगा यानी कि एक क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होगा और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ है वो किसके इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको मेजर करते हैं डी फाइ बाई डी टी से इसे बोला जाता है दोस्तों रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है आप ब्रशलेस डीसी मोटर ऑपरेट प्राइमरली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए सिंक्रोनस ऑपरेशन बी कम्युटेशन बाई ब्रशेस सी वेबल इलेक्ट्रस डी इलेक्ट्रॉनिक कम्युटेशन दोस्तों एक ब्रशलेस डीसी मोटर स्पेशल टाइप मोटर होती है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युटेशन इसमें क्या होता है दोस्तों हम स्टेटर वाइंडिंग को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करते हैं टू जनरेट दी टॉर्क दोस्तों क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर क्या करता है इसमें ये बहुत ज्यादा ब्रेसलाइसली करंट को भेजता है स्टेटर में ताकि इसका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है काफी अच्छा मेंटेन हो सके और ब्रशलेस डीसी मोटर कहाँ पे यूज होती है आजकल आपने देखा होगा फैन में भी आजकल ब्रशलेस डीसी मोटर आ रही है बी मोटर जिसे बोला जाता है तो उसमें क्या होता है मूवमेंट काफी ज्यादा प्रसाइस होता है और इसमें क्योंकि कोई भी कम्यूटेशन के लिए कोई ब्रशेस यूज नहीं होते तो इसमें वेर एंड टेयर भी कम होता है और इसकी साउंड भी कम होती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है बायो पावर प्लांट प्राइमरी यूज विस प्रोसेस फॉर एनर्जी जनरेशन आपके ऑप्शन है ए फिल्ट्रेशन बी डिस्टिलेशन सी कम्बशन डी फर्मेंटेशन दोस्तों बायो पावर प्लांट यूज करते हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस का दोस्तों फर्मेंटेशन प्रोसेस हम ऑर्गेनिक मैटर को बायोफ्यूल में चेंज करते हैं जैसे कि, आपने देखा कि जो भी है, वो किस प्रोसेस पे काम करती है? है और ये एक बहुत अच्छा एनर्जी खबर भी आई थी की जापान ने गाय के गोबर से एक हाई एनर्जी बायोफ्यूल को जनरेट कराया उसका आविष्कार कराया जिसको उन्होंने अपने एक स्पेस शटल में इस्तेमाल भी करा था कुछ पांच मिनट के लिए और ये काफी ज्यादा एफिशियंट फ्यूल भी था दोस्तों नंबर फोर

तो उस केस में इंडक्शन मोटर जनरेटिंग रीजन में होती है क्योंकि दोस्तों स्लिप का क्या होता, होता, तो होता तो हो हो पार्ट था तो इसका मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन में है या ब्रेकिंग कंडीशन में है. जब इंडक्शन मोटर की रोटर स्पीड स्पीड के बराबर हो जाती है तब क्या हो जाएगा एस इक्वल टू एन एस माइनस एन एस अपॉन एन एस तो एस इक्वल टू जीरो जनरेट नहीं कर रही है और जब टॉर्क कोई जनरेट नहीं कर रही है तो इंडक्शन मोटर टॉर्क जनरेट करती है तो वो वाला जो केस आता है वो मोटरिंग कंडीशन में आता है, और वो होती है स्लिप की वैल्यू जीरो से लेके वन के बीच में क्योंकि देखेंगे अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इसी में जो आपका टॉर्क है वो काफी ज्यादा बड़ा हुआ है सो तो दोस्तों नंबर फोर क्वेश्चन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब इन वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन दोस्तों की लाइट क्यों दिखती है क्योंकि जो एयर पार्टिकल होते हैं आसपास के वो आयोनाइज हो जाते हैं यहाँ से ऐसा कह सकते हैं वो चार्ज अप हो जाते हैं तो इस वजह से हमें ये बैगनी रंग की लाइट दिखती है और कोरोना इफेक्ट ज्यादातर एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज में ही दिखता है क्योंकि you उस कंडीशन में जो कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है और दोस्तों कोरोना इफेक्ट की वजह से होते हैं पावर लॉसेस तो अगर कंडक्टर का दोस्तों डायमीटर कम है तो उस केस में भी काफी ज्यादा कोरोना लॉसेस बढ़ जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं हम बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं कोरोना लॉसेस कम करने के लिए और इसमें एक साउंड आती है जिसे बोला जाता है हिसिंग साउंड साउंड ये sound आपने ट्रांसफॉर्मर के पास भी सुनी होगी अगर आप ट्रांसफॉर्मर के पास आगे खड़े तो उसमें से एक हमिंग साउंड आती है कुछ इसी तरीके की साउंड कोरोना इफेक्ट हुए कंडक्टर से भी आती है सो दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर इसका

रिएक्टिव पावर जनरेट किसकी वजह से होती है इंडक्टिव लोड की वजह से रिएक्टिव पावर जनरेट होती है और ये इंडक्टिव लोड कौन से होते हैं जैसे मोटर हो गया ट्रांसफॉर्मर हो गया ये एनर्जी को स्टोर कर करके रखते हैं किस फॉर्म में स्टोर करते हैं एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं एक हाफ साइकिल के लिए और अगले हाफ साइकिल में एनर्जी को रिलीज कर देते हैं क्योंकि एसी सोर्स हर साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है जिससे करंट और वोल्टेज के बीच में एक फेस डिफरेंस जनरेट होता है जिसके कारण से ये रिएक्टिव पावर भी जनरेट होती है तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ की जितना ज्यादा लोड रजिस्टिव होगा उतनी ही कम रिएक्टिव पावर जनरेट होगी और दोस्तों रिएक्टिव पावर को मेजर करा जाता है वी से तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन मद वन क्वेश्चन नंबर 27 फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन एसी सर्किट द लोड इंपीडेंस शुड बी अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है एक सर्किट में तो लोड इंपीडेंस कितना होना चाहिए दोस्तों ये सर्किट होता है लीनियर सर्किट ये सोर्स वोल्टेज होता है वीएस और ये लोड रेजिस्टेंस होता है आरएल तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है आर टीएच और आरएल आर टीएच क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टर और आरएल क्या लोड रेजिस्टेंस तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होती है जब लोड इंपीडेंस एक्टिव पावर को कैंसिल कर दे या खत्म कर दे ताकि केवल और केवल एक्टिव पावर फ्लो कर सके उस केस में तो ये होता है? जब होता है, के पावर हमारी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी या इसका साइन जो होगा वो अपोजिट होगा अगर लोड इंपिडेंस की डायरेक्शन प्लस है तो सोर्स इंपिडेंस की डायरेक्शन आपकी नेगेटिव होगी तो इसको दर्शाया जाता है दोस्तों इस तरीके से जयडेल इक्वल

एडिशनल रेजिस्टेंस लगाते हैं आर्मेचर सर्किट में जिससे हम डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकें और ये रेजिस्टेंस आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं और ईबी तो बराबर होता है आईए के यानी कि अगर आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो बैक ई एम एफ बढ़ेगा और अगर आर्मेचर करंट कम होगा तो बैक कम होगा। और प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है

दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन बेसिक आई नहीं आता है लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्वेश्चन तो को जरूर तैयारी तो का, का जिसमें ऐसा ब्लॉक डायग्राम होता है कुछ कॉम्पोनेट पैल में लगे होते हैं कुछ कॉम्पोनेट सीरीज में लगे होते हैं तो अगर हमें इसको सिंपलीफाई करना है तो हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मान के चलिए अगर दो कॉम्बिनेशन सीरीज में है ये जीएस वन और एस टू सीरीज में है तो उनको सिंप्लीफाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं जीएस वन मल्टीप्लाई में जी एस टू अगर दो कंपोनेंट पैरेलल में है मान के चलिए जीएस थ्री और जी एस फोर पैरेलल में है तो उनको लिख सकते हैं जीएस थ्री प्लस जीएस फोर तो हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की मदद से सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर रेक्टिफाइड रेक्टिफाइड टाइप टाइप वोल्ट वोल्ट मीटर मीटर टू मेजर 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 किसे करता करता है वो मेजर करता है वो तो दोस्तों तो एवरेज वैल्यू को क्योंकि रेक्टिफाइड टाइप ए सी वोल्ट मीटर में लगा होता है एक डायोड जो केवल हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है तो जो ए सी वेब फॉर्म होती है एसी वो हर हाफ साइकिल में कंडक्ट कर रहा है यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है एसी वोल्टेज वो इसको स्किप कर रहा है और ये केवल एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है ये बन जाती है हमारी सी तो लेकिन इस डीसी वेवफॉर्म में भी कुछ एसी के पार्ट्स होते हैं जिसे बोला जाता है रिपल या रिपल फ्रीक्वेंसी और जो डीसी होता है दोस्तों ये पल्सेटिंग होता है अगर हम डीसी सोर्स की बात करें वो एक स्ट्रेट लाइन होती है लेकिन इसमें क्या है डीसी डीसी सोर्स सोर्स कुछ इस तरीके का है तो इसे बोला जाता है पल्सेटिंग तो इसको हमें और फिल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं लो पास फिल्टर का जिससे इस पल्स को स्मूथ करा जाता है और जो वैल्यू निकल के आती है वो एसी वेब की एवरेज वैल्यू निकल के आती है मान के चलिए ये एसी वेब थी टेन वोल्ट था इसका मैक्सिमम और क्योंकि हमने

वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स इंटू पीक वैल्यू तो एवरेज वैल्यू आएगी दोस्तों इज टू वोल्ट तो एसी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो एट पॉइंट नाइन नाइन वोल्ट होती है यानी कि जो दस वोल्ट इसमें एसी प्रोवाइड कर रहा था और जो हमने फिल्टर करा लो पास फिल्टर से तो हमें कितनी वोल्टे डीसी मिली हमें वोल्ट डीसी मिली सो ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट right ऑप्शन होगा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग